देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। समय समय पर हम आपको दिल्ली में फैली भ्रष्टाचार की जड़ों से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में हम आपको वार्ड नंबर 17 में हो रहे अवैध निर्माण से रूबरू करवाते हैं। निगम पार्षद गरिमा गुप्ता और उनके ससुर सुरेश गुप्ता और एमसीडी अधिकारी और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध निर्माण चलाया जा रहा है, जबकि न्यायालय का आदेश है कि अवैध निर्माण को ढा दिया जाए। निगम पार्षद गरिमा गुप्ता और उनके ससुर सुरेश गुप्ता और एमसीडी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन समेत भू माफियों के गठजोड़ से ये अवैध निर्माण चल रहा है। जहां उच्च न्यायालय अवैध निर्माण पर है सख्त, वही धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण कारोबार। निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, उनके ससुर सुरेश गुप्ता, एमसीडी अधिकारी और पुलिस प्रशासन की गठजोड़, इन चारों की छत्र छाया में चल रहा बिल्डिंग का निर्माण। दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार विभागों में नंबर 1 पर। जहां पुलिस की होती है जिम्मेदारी, वहीं इस अवैध निर्माण में पुलिस भी है शामिल। वार्ड नंबर 17 उत्तरी दिल्ली बीजेपी नगर निगम पार्षद गरिमा गुप्ता और उनके ससुर सुरेश गुप्ता की छत्र छाया में, या यूं कह सकते हैं कि इनकी मिली भगत से खुलेआम शाह आलम बांध रोड और डेरी रोड और शनि बाजार रोड पर माननीय न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एमसीडी के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से अवैध निर्माण का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जी हां, हमने इससे पहले भी आपको वार्ड नंबर 17 के इसी अवैध बिल्डिंग की खबर से रूबरू करवाया था, जिसमें निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, एमसीडी के अधिकारी और पुलिस की मिली भगत से ये अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन जब नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने इस खबर की दोबारा तहकीकात की, तो पता चला कि इस अवैध निर्माण में केवल वो तीनों ही शामिल नहीं है, बल्कि निगम पार्षद के ससुर सुरेश गुप्ता इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं। क्योंकि गरिमा गुप्ता अपने क्षेत्र में तो रहती ही नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं, और उनकी अनुपस्थिति में ये सारा अवैध कारोबार उनके ससुर सुरेश गुप्ता धड़ल्ले से चला रहे हैं, जिनको ना तो किसी का डर है और ना ही किसी का खौफ, क्योंकि इस अवैध निर्माण में ये अकेले नहीं है, इनके साथ एमसीडी के अधिकारी और पुलिस भी इनका साथ दे रहे हैं। भू माफियों और इन चारों की छत्र छाया में चल रहा अवैध बिल्डिंग का निर्माण, इस बारे में हमारे संवाददाता ने आदर्श नगर कांग्रेस युवा अध्यक्ष वरुण गुप्ता से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। 17 में जो अवैध निर्माण शाह आलम बंद मार्ग पे डेली रोड पे जो हो रहा है, वो एमसीडी की मिली भगत से हो रहा है, उसके बारे में क्या राय है आपको? देखिए, जब जिस कहते हैं ना कि जिसका सरदार ही चोर हो, चोरों का सरदार क्या होगा, तो यही कहावत है। जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 17 की आदर्श नगर की, गरिमा गुप्ता, उनके ससुर जो बिल्डर माफिया है खुद अपने आप में एक बहुत बड़े, तो वो अवैध निर्माण नहीं करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? अभी तो आप देखिए जमीनों पर कब्जे भी होंगे और ऐसे ऐसे निर्माण कराए जाएंगे, और किसी ना किसी दिन जो किसी हादसे को बुलावा देंगे, और ऐसा हादसा भी हो सकता है आदर्श नगर क्षेत्र के अंदर कि जिसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जवाबदेही इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्या परेशानी है? बिल्डर माफिया है ये लोग, पुलिस की मिली भगत है, बिल्डर एमसीडी की मिली भगत है, प्रशासन के साथ मिली भगत है, जो आवाज उठाएगा, किस में इतनी हिम्मत है जो इनके खिलाफ आवाज उठाए? ये इस तरीके के बिल्डर माफिया लोग हैं कि लोगों को जीने ना दे जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।